हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि अच्छे से होंगे। और सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत थैंक यू, क्योंकि आप लोगों ने जितनी ब्लेसिंग्स भेजी हैं सौरभ के लिए, हमारे लिए, वो मतलब हमारे लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूबल हैं और बहुत सारा मायने रखती हैं, क्योंकि आप लोगों ने बहुत सारी प्रेयर भेजी हैं। तो एंड सॉरी, क्योंकि मैं आप लोगों के कमेंट्स का रिप्लाई नहीं कर पाई, क्योंकि मैं उस हालत में नहीं हूँ कि मैं आप लोगों के कमेंट्स का रिप्लाई कर पाऊँ। मुझे बहुत ज़्यादा बॉडी पेन। एक्चुअली सौरभ की जो रिपोर्ट है ना, वो एक मतलब शॉकिंग रिपोर्ट है। एक्चुअली जिस दिन मेरी, आई थिंक मैंने वीडियो शूट करी थी पहले वाली, वो शायद थर्सडे या फ्राइडे की वीडियो थी, आई थिंक थर्सडे की थी शायद। उसके बाद मैं आज शूट कर रही हूँ, आज ट्यूसडे है और ये भी रिक्वेस्टेड वीडियो है। थोड़ा सा भी बात करूं और बोलूं, क्योंकि सब लोग बहुत ज़्यादा कंसर्न थे और रिपोर्ट के बारे में जानना चाह रहे थे। इंस्टाग्राम पर भी बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं। थैंक यू सो मच आप लोगों को इतना कंसर्न दिखाने के लिए। एक्चुअली हम लोग, इसलिए शॉकिंग रिपोर्ट है हम लोगों के लिए, क्योंकि जिस दिन मेरा आपसे बात हुई थी, जिस दिन सौरभ का सैंपल गया था, उस दिन रात में 10:30 के राउंड ऑफ रिपोर्ट आई थी। तो उस दिन आया था कि रिपोर्ट नेगेटिव है और हम लोग बहुत ज़्यादा हैप्पी हो गए। मतलब ऐसा लग रहा था कि जो हमारी थकान है वो एकदम दूर हो गई। लेकिन सेम रात को ही ना टेक्नीशियन का वापस कॉल आया कि कुछ तो गड़बड़ हुई है और रिपोर्ट में, तो कल वापस टेस्ट होगा। तो हम लोग बहुत डर गए फिर से। फिर नेक्स्ट डे टेस्ट हुआ तो रात में 12:30 के करीब रिपोर्ट आई थी कि पॉजिटिव, और वही फिर टेंशन फुल वाला माहौल हो गया। और मेरी भी हालत ना उस दिन से थोड़ा ख़राब ही है। आज हम सब पूरी फैमिली मेम्बर्स के टेस्ट होंगे यार ट्यूसडे, क्योंकि सौरभ की जो वापस रिपोर्ट वो सैटरडे को आई थी आई थिंक, और उसके 3 दिन बाद पूरे फैमिली मेम्बर का ऐसे मतलब टेस्ट होता है कुछ, तो मतलब ऐसे डॉक्टर्स वगैरह ने सजेस्ट किया है। तो हमारे सैंपल्स लेने के लिए आज आएंगे, सौरभ का वापस टेस्ट होगा। बाकी है कि सौरभ को फीवर नहीं है, मुझे हाई फीवर था तो मुझे आज फीवर नहीं है। बाकी हम लोगों को और कोई सिम्टम्स नहीं है, बस मुझे बॉडी पेन इतना बुरे वाला है, आप देख ही सकते हैं कि मैं मतलब बोलते हुए भी ना मुझे बहुत दिक्कत हो रही है, क्योंकि मुझे यहाँ पे ना बहुत सारा पेन है। इसीलिए ना मैंने ये लगाया हुआ है, इसी कमरे में रहती हूँ। वीकनेस इतनी ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा वीकनेस है, बहुत मुश्किल मन करता है बस लेटे रहो, और बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है क्योंकि बॉडी पेन बहुत ज़्यादा है मुझे, तो इसमें सबसे ज़्यादा तकलीफ यही हो रही है। बाकी आज रिपोर्ट आएगी तो पता चलेगा कि घर में किस किस को क्या है, क्योंकि अभी सभी लोगों को फीवर है ही। पापा जी को भी, मम्मी को भी फीवर एक ही दिन आया था आई थिंक, और कल शायद उनको फीवर नहीं था, लेकिन पापा जी को कल फीवर था, उनको है फीवर। तो बस ऐसे ऑन ऑफ चल रहा है। हम लोगों की टेस्टिंग रिपोर्ट जैसी आएगी मैं आप लोगों को अपडेट करूंगी। अनवित ना बार बार डोर ओपन करके भाग जाता है। सबसे ज़्यादा जो तकलीफ हो रही है ना, वो मतलब ये है कि अनवित को संभालने में हो रही है। मेरी सबसे ज़्यादा मुसीबत आई पड़ी है, तो क्योंकि छोटा है मेरे साथ रहता है, सौरभ तो आइसोलेशन में ही है। बाकी हम लोगों की रिपोर्ट, अनवित अभी तो तुमने डोर क्लोज किया था, ये देखो मैं इसलिए परेशान, ओपन कर लो, ये हो रहा है। रात को भी मुझे आराम नहीं मिलता इसके चक्कर में। अभी आज रिपोर्ट आएगी हम लोगों की, देखो मतलब आज टेस्ट होंगे तो 24 घंटे लगते हैं जी। मतलब अगर हमारा अभी टाइम हुआ है 10, तो उसके आप 13.5-14 घंटे मान लो, तो रात में कभी जाके हमारी रिपोर्ट आएगी सबकी। लेकिन ये है कि बहुत ज़्यादा थकान है। तो चलिए, बस ये है कि मैं आप लोगों के कॉमेंट्स का रिप्लाई नहीं कर पा रही थी। डोर क्लोज करो, चलो चलो डोर क्लोज करो, वैसे डोर ओपन नहीं करते, कर दो। तो बस यही है कि हिम्मत करके मैंने ये वीडियो बनाई है कि मैं, ताकि आप लोगों को अपडेट दे सकूं, क्योंकि बहुत सारे लोग कंसर्न थे कि सौरभ की रिपोर्ट क्या रही, ज़रूर बताइएगा। तो जैसी हमारी रिपोर्ट रहेगी वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी, ऐसे छोटे छोटे वीडियो मैं आपको शेयर करते रहूंगी और अपडेट देते रहूंगी। तो चलिए, बस अभी मैं रखती हूँ, और आप ऐसे ही अपनी जो ब्लेसिंग्स है ना, वो प्लीज़ प्लीज़ हमारे लिए रखिएगा, क्योंकि हम सब फैमिली मेम्बर्स ही बहुत ज़्यादा अभी परेशान हैं, बहुत मुश्किल से सब मैनेज हो रहा है। तो चलिए, मैं अभी बहुत ज़्यादा बात करने की हिम्मत में नहीं हूँ, क्योंकि बात करती हूँ ना तो मुझे यहाँ पे ये पेन होता है, बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है यहाँ पे।
चलिए फिर मैं मिलूंगी आप लोगों से, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।